नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं शनि का लास्ट टॉपिक 12th हाउस में शनि की पोजीशन के बारे में। 12वां घर जहां पर काल पुरुष कुंडली के हिसाब से 12 नंबर की राशि आती है मीन राशि, और इस घर के मालिक कौन है? बृहस्पति देव। साथ ही इस घर के कारक शनि देव के मित्र राहु हैं। अब 12वें घर में शनि देव किस तरह का शुभ या अशुभ फल देंगे और कैसे उनके शुभ फल प्राप्त किए जा सकते हैं या अशुभ फलों से बचा जा सकता है, उसके लिए कौन से रेड बुक में स्पेशल रेमेडी बताई गई है, तो आज उसकी बात करेंगे। इससे पहले हम कुंडली के लगन भाव, तख्त स्थान से लेकर कुंडली के 11 ही घर, आय भाव, धन भाव, इन सभी हाउसेस के अंदर शनि देव के प्लेसमेंट और उनकी गुड और बैड पोजिशन और क्या प्रिकॉशन और रेमेडी बताई गई है जिससे शनिदेव को शुभ रखा जा सके, क्योंकि शनिदेव का कुंडली में शुभ रहना अत्यंत आवश्यक है। आपको जानकारी दी थी कि काल पुरुष कुंडली के हिसाब से 10 और 11 नंबर की राशि इन हाउसेस में आती है। 10वां घर कैरियर का और 11वां घर आमदनी का। जब कुंडली के अंदर शनिदेव खराब अवस्था में होंगे, अशुभ हालत में होंगे, तब ऐसे में शनिदेव जिन चीजों के मालिक हैं, जिन घरों के मालिक हैं, कैरियर यानी कि आपका काम धंधा, चाहे नौकरी हो या व्यापार हो, व्यापार के लिए साथ में बुध की स्थिति को भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि बुध क्या है? व्यापार के कारक। 10वां घर बताता है कि आप किसी फील्ड में हैं उसके अंदर आप कितनी ग्रोथ लेंगे, और 11वां घर आमदनी को कि कितनी आमदनी आपकी प्राप्त होगी, इच्छा पूर्ति का है। तो इन चीजों के वो मालिक हैं, इनमें कमी देखने को मिलेगी, और अगर शुभ हालात में होंगे तो ये चीजों में आपको स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, और ऐसे व्यक्ति का काम धंधा हमेशा ठीक ठाक चलता है। तो यहाँ पर शनिदेव का आज लास्ट टॉपिक है। इससे पहले 11 घरों में बात कर चुके हैं, तो आप अपनी कुंडली के अंदर शनिदेव के प्लेसमेंट को चेक कीजिए, राशियों को, नंबर को ध्यान मत दीजिए कि आपकी कुंडली में यहाँ कौन से नंबर लिखे हुए हैं, केवल हाउसेस को चेक कीजिए। यहाँ 12th हाउस की बात कर रहे हैं, इससे पहले जो 11 हाउसेस हैं उनमें आपके शनिदेव अगर बैठे हुए हैं कहीं भी, तो आप उसके प्लेसमेंट को, साथ ही आपने लगन भाव के वीडियो में जाके कुछ इंपॉर्टेंट रूल जो बताए थे उन रूल को भी चेक कर लेना है, जिससे आप एट ए ग्लास चेक कर सकें कि शनिदेव आपकी कुंडली में किसी भी घर में है तो वो शुभ हालात में है या अशुभ हालात में। साथ ही उस हाउस के वीडियो में सिम्टम्स बताए गए हैं कि किस कंडीशन में शनिदेव इस तरह का फल देंगे। तो शनिदेव क्या है? एक सांप बताए गए हैं, नाग है, कब वो इच्छाधारी यानी कि मददगार सांप बन जाता है, और कब वो जहरीला डसने वाला सांप बन जाता है, क्योंकि शनिदेव अगर अशुभ हालात में होंगे तो बहुत ही बुरा फल प्रदान करते हैं। अब 12वां घर, 12वें घर के लिए हमने जब स्टार्टिंग के अंदर जो रूल बताए थे इम्पोर्टेंट, उसमें जानकारी दी थी कि बृहस्पति के घर 2, 5, 9, 12 इन घरों में जनरली शनिदेव शुभ फल प्रदान करते हैं। तो आज सबसे पहले बात करेंगे शनिदेव की शुभ हालात के बारे में, किस कंडीशन में शुभ फल देंगे, उसके बाद अशुभ हालात और क्या रेमेडी यहां बताई गई है जिससे इन्हें शुभ रखा जा सके। 12th हाउस के शनिदेव के लिए कहा गया कलम विदाता आराम, क्योंकि 12वां घर क्या है? हमारे आराम का, रात की नींद का, भोग विलास का, खर्चा, विदेश यात्रा, तो इन सब चीजों यानी कि अगर 12th हाउस अच्छी पोजीशन में होगा तो ऐसे में जिन चीजों का 12th हाउस कारक है, जानकारी लेते हैं 12th हाउस से, उन चीजों में निश्चित तौर पर आपको सुफल प्राप्त होते दिखेंगे। और अगर 12th हाउस खराब पोजिशन में होगा तो जिन चीजों का वो कारक है उन चीजों में कमी देखने को मिलेगी। अब 12वें घर के शनि देव के लिए दुश्मन के ताल्लुक में नेक हालात की बात करते हैं। दुश्मन के ताल्लुक में हाथ में त्रिशूल लिए बहादुर की तरह अच्छी उम्दा जिंदगी गुजारेगा और सामान खुराक की कभी कमी न होगी। यहाँ पर दुश्मन ऐसे व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, साथ ही यहाँ पर ऐसे व्यक्ति की जिंदगी आरामदायक होगी और सारे सुख ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होंगे। सिर के ऊपरी हिस्से के बाल झड़ जाएं तो धनवान बनने की निशानी होगी। अब सिर का जो ऊपरी हिस्सा है ये अगर झड़ जाए, देखिए बाल क्या है? शनिदेव है, और बालों के नीचे जो हमारा सर का हिस्सा है वो है आपका बृहस्पति देव। तो यहाँ पर बृहस्पति देव क्या है? धन के कारक। अब ऐसे में जब शनि का प्रभाव हट जाएगा और बृहस्पति देव कायम हो जाएंगे तो यहाँ पर धनवान यानी कि तब ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पर एक धन की प्राप्ति या धनवान बनने की निशानी बताई गई है। अब राहु केतु बुध, अगर शनिदेव शुभ हालात में है तब राहु केतु बुध टेवे में बुरा असर न देंगे। यहाँ पर कुंडली के अंदर पापी ग्रह राहु केतु जो कुंडली में सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, क्योंकि
अब हमारा जो अगला टॉपिक आने वाला है वो है राहु। राहु क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान करने वाले प्लैनेट हैं और राहु को लेकर सभी लोग भ्रमित रहते हैं, ये बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं। अगर अशुभ हालात में हो और लड़ाई झगड़े जेल पागलखाना और अचानक एक्सीडेंट, ये सारी चीजें राहुदेव कराते हैं। अचानक मुसीबतें, यानी कि आप सोच रहे हैं कुछ और हो जाएगा कुछ और, आप सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा कुछ होने वाला है और अचानक ही परिस्थितियां बदलेंगी और आप आसमान से जमीन पर आके गिरेंगे, इस तरह की जो परिस्थितियां हैं वो राहुदेव पैदा करते हैं। तो अगला टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है राहुदेव का, वो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर कुंडली में अगर शनिदेव 12th हाउस के अंदर अच्छी पोजिशन में है या उन्हें शुभ कर लिया जाए, और अगर शुभ हालात में है तो उन्हें अशुभ कर ले जाए, उसकी बात करेंगे अभी मंदी हालात में। तो यहाँ पर शनिदेव अगर अच्छी हालात में है तो राहु केतु पापी ग्रह अब अशुभ फल नहीं देंगे, साथ ही बुध का फल भी अच्छा ही प्राप्त होगा। पर यहाँ पर शर्त यह है कि ऐसे व्यक्ति को जुबान के चस्का ना हो या वो अपने बुध को खुद ही खराब ना कर ले। बुध क्या है? हमारी जुबान। बुध क्या है? चस्का। चस्का मीन्स ऐसे व्यक्ति को स्पाइसी बार बार खाना, हर वक्त दिमाग खाने में लगे रहना, इस तरह की आदत देखने को मिलती है। तो यहाँ पर बुध को खराब नहीं करना है, क्योंकि नेचुरली तौर पर अगर शनिदेव यहाँ पर ठीक होंगे तो राहु केतु बुध अच्छा फल देंगे, पर आप जबरदस्ती अगर उन्हें खराब कर लें, अब राहु केतु का टॉपिक आएगा तब आपको क्लियर हो जाएगा कि राहु केतु को आप खुद ही खराब कैसे कर सकते हैं। और बुध के लिए हमने सारे वीडियो बना चुके हैं 12 हाउसेस में, तो वहां बुध की आपको पूरी जानकारी दी थी। तो यहाँ पर जुबान का चस्का, ज्यादा नॉनवेज वगैरह शराब का सेवन नहीं करना, तो ऐसे में बुध कुंडली में शुभ ही फल देगा। मकानात बहुत बनेंगे। शनि क्या है? देखिए मकान के कारक, कुंडली के अंदर अगर आपको अपने मकान की पोजीशन चेक करनी है कि मकान कितने प्राप्त होंगे, कितने बनेंगे, बनेंगे नहीं बनेंगे, उन सब के लिए भी आपको शनि देव को ही कुंडली में चेक करना होगा। और जैसा कि वहां पे रूल बताए गए हैं अलग अलग हाउसेस में, उससे अकॉर्डिंग ही एनालाइज करना होगा कि कब आपको मकान बनाना है और कब नहीं बनाना है। और अगर गलती से जिस एज तक मकान नहीं बनाने की हिदायत दी गई है, उस एज में से पहले अगर आप मकान बना लेते हैं तो किस तरह के अशुभ फल प्राप्त होंगे, और अगर बनाना पड़ ही जाए तब ऐसे में आपने शनिदेव की क्या रेमेडी करनी है जिससे अशुभ फलों से बचा जाए। तो मकानात 12th हाउस के शनि के टाइम में ऐसे व्यक्ति के मकान बहुत बनेंगे, पर शर्त एक है कि मकान जैसा बन रहा हो वैसा बनने दिया जाए। अगर आप मकान का काम शुरू कराते हैं तो मकान को पूरा करने के बाद ही किसी तरह का ब्रेक लगाएं, ऐसा ना हो कि मकान बन रहा है और आप उसे बीच में छोड़ के 6 महीने के लिए साल भर के लिए लटका दें, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर मकान शनि जो है एक से ज्यादा मकान के योग बनाते हैं। कारोबार में कबीला लंबे अरसे का होगा और शनिचर को शेषनाग का साया करने वाले होंगे। यहाँ पर शनि जब शुभ हालात में होंगे तो वो शेषनाग जिन्होंने कृष्ण जी की रक्षा की थी, इसी तरह ऐसे व्यक्ति की मदद करने वाले, रक्षा करने वाले होंगे। और कारोबार परिवार ऐसे व्यक्ति का बहुत अच्छा होगा और लंबे अरसे का होगा, यानी कि कारोबार जो है उसके अंदर स्टेबिलिटी होगी और बहुत अच्छी उसके अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी। ख्वाह शनिचर अब करोड़ों रुपए देवे, मगर ऐसे व्यक्ति पैसों का यार ना होगा। यहाँ पर शनि जब शुभ हालात में होंगे तब ऐसे व्यक्ति व्यापार करता होगा और व्यापार भी उसका बहुत एक क्लास लेवल का होगा, यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि ख्वाह चाहे शनिचर करोड़ों रुपए दे, ऐसा व्यक्ति करोड़पति अरबपति देखने मिलेगा, पर कहा गया कि पैसों का यार ना होगा, यानी कि पैसे का मीत ना होगा, पैसे के पीछे भागता नहीं होगा। नंबर दो में, अब नंबर दो का ताल्लुक है नंबर 12 से। अगर नंबर दो के अंदर शनि के दुश्मन ग्रह, दुश्मन कौन से? सूर्य चंद्र मंगल नहीं हो, यानी कि इसके शत्रु ग्रह नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर शत्रु ग्रह होंगे तो शनि के फल को खराब कर देंगे। तो सूर्य चंद्र मंगल नंबर दो में ना होने पर रात का पूरा आराम सुख के लिए कलम विधाता की ताकत का मालिक होगा, यानी कि बहुत ज्यादा शुभ फल प्राप्त होंगे। राहु 3 या 6, अब राहु तीसरे घर में हो या 6th हाउस में, इन दोनों ही हाउसेस के अंदर राहु जो है बहुत ज्यादा शुभ कहे गए हैं, क्योंकि तीसरे घर के अंदर भी उच्च का फल देते हैं और 6th हाउस में भी। और केतु 9 या 12, इन हाउसेस में केतु को बहुत अच्छा शुभ माना गया है। जब राहु 3rd में होंगे तो नेचुरली केतु आपका 9th में होंगे, और राहु अगर 6th में होंगे तो केतु 12th में होंगे,
जब केतु 12 में होंगे तो ऐसे में बहुत ज्यादा शुभ फल देते हैं, आदमी को जिंदगी भर ऐश कराते हैं और विदेश से ऐसे व्यक्ति पैसा कमाता है, विदेश में जाके काम करता है, इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। तो यहाँ पर राहु 3 या 6 में हो और केतु 9 या 12 में हो तब क्या कहा गया है, पिछली अंधेरी कोठरी कायम रहे। तो यहाँ पर देखिए घर के अंदर अगर पीछे कोई स्टोर बना हुआ है, कोई कोठरी है, तो उसको कायम रखना है, यानी कि तोड़ना नहीं है या तोड़ के किसी प्रकार की उसमें रोशनी नहीं करनी है, आसमान से आती हुई रोशनी अगर ये करेंगे तो ऐसे में यहाँ पर अंधेरी कोठरी क्या है, आपका शनि और उसके अंदर आपने अगर किसी तरह रोशनी कर ली, और वो भी रोशनी कौन सी, जो आसमान से आती हुई है, या उसके अंदर छत के अंदर आपने किसी तरह की कंसील्ड लाइट नहीं लगानी है, क्योंकि कंसील्ड लाइट भी एक तरह से छत से आती हुई रोशनी ही मानी जाएगी। तो यहाँ पर आपने उस अंधेरी कोठरी को कायम रखना है, उसमें किसी प्रकार की रोशनी नहीं करनी, रोशनी कर लेंगे तो वहां पर शनि और सूर्य का संबंध स्थापित हो जाएगा, क्योंकि वो जो रोशनी है वो सूर्य की मानी जाएगी, रोशनी के कारक है और शनि अंधेरे के कारक है, तो शनि सूर्य का झगड़ा हो जाएगा और ऐसा इफेक्ट कहां आ जाएगा, काम धंधे पे जाएगा जाएगा, साथ ही गृहस्थी खराब हो जाएगी, शुक्र का फल खराब हो जाएगा, क्योंकि बताया था कि सूर्य शनि का जब भी झगड़ा होगा, यानी कि युति या दृष्टि से, ऐसे में दोनों के झगड़े में मारा कौन जाएगा, शुक्र। शुक्र क्या है, आपका लाइफ पार्टनर, आपका गृहस्थ जीवन, तो इफेक्ट जो है वहां देखने को मिलेगा। अगर अंधेरी कोठरी कायम रहे तब तीनों का फल उम्दा होगा, तीनों का फल मीन्स राहु केतु और शनि कुंडली के अंदर शुभ फल ही देंगे और व्यक्ति भाग्यशाली और धनवान होगा। राहु 12, अब राहु अगर शनि के साथ 12 हाउस में आ जाए, वैसे 12 हाउस के अंदर राहु को शुभ नहीं माना है, पर हम जैसे कि हर प्लैनेट के हर हाउस में जहां उसे शुभ माना है या जहां उसे अशुभ माना है वहां पर उनके शुभ और अशुभ हालात दोनों की बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि राहु 12 हाउस में है या केतु 6 हाउस में है तो खराब ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, हमने दोनों कंडीशन की बात करते हैं। शनि की यहाँ पर 12 हाउस में अच्छे गए गए हैं पर हम अशुभ हालात की बात करेंगे। इसी तरह बृहस्पति 4th हाउस में उचके गए जाते हैं, पर 4th हाउस में हमने बृहस्पति का टॉपिक डिस्कस किया था तो वहां पर उनकी अशुभ हालात की बात भी करी थी। तो आपने अपनी हॉरोस्कोप में प्रॉपर चेक करना है जो रूल यहाँ बताए जा रहे हैं कि आपके प्लैनेट जो है एग्जैक्टली किस पोजिशन में है, आपको देखने में उचके लग रहे हैं, असौघरी लग रहे हैं, अपने घर के लग रहे हैं, पर रिजल्ट नहीं आ रहे। तो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं, उन चीजों को समझना है, उनके मसनी प्लैनेट को चेक करना है। जब आगे और टॉपिक जो आएंगे, अभी राहु केतु के बाद 2 प्लैनेट के कॉम्बिनेशन के स्टार्ट करेंगे कि बृहस्पति के साथ बाकी अन्य ग्रहों की युति के कुंडली के 12 ही घरों में क्या फल प्राप्त होंगे, क्या रेमेडी है अलग अलग हाउस में और प्रिकॉशन है, तो कैसे उनके शिव फलों को प्राप्त करना है, तो उन सब की बात करेंगे। तो इसी तरह बृहस्पति सूर्य चंद्र मंगल राहु केतु सबके जो कॉम्बिनेशन है 2 प्लैनेट का, 3 प्लैनेट का, 4 प्लैनेट का, जितने भी कॉम्बिनेशन है 5, 6, 8, तो उनके क्या रिजल्ट आएंगे इसकी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरी डिटेल में हम लोग जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आप एक एक चीज को बारीकी से समझ सकें। और समझने के पीछे का कारण यह है कि अपनी परेशानी को समझने के बाद चीजों को देख सके कि आपकी लाइफ में वो चीजें चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, अगर चल रही हैं तो उन्हें आप समझ लें कि उसके पीछे कारण क्या है और फिर उसे कैसे ठीक रखा जाना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि चीजों को एनालाइज करने के बाद उन्हें ठीक कैसे रखा जाना है, यहाँ पर ठीक रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। रेड बुक की रेमेडी निश्चित तौर पर चीजों को ठीक कर देती है और बहुत जल्द समय में कर देती है, पर प्रॉपर वे में तरीके से समझकर की जाए तभी उसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर शनि के साथ जब राहु होंगे तब कहा गया कि इच्छाधारी मददगार सांप होगा, तो यहाँ पर शुभ फल देगा शनि के साथ राहु की युति। पर यहाँ पर शनि राहु की युति जब कुंडली में होती है इसके ऊपर हम अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और उसके अंदर कुंडली के 12 ही घरों में शनि राहु की युति, क्योंकि शनि राहु की युति वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर, अगर आप किसी ज्योतिषी के पास जाएंगे, एस्ट्रोलॉजी के पास जाएंगे जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं, वो बताएंगे कि आज में श्रापित योग बनता है। श्रापित योग का मतलब यह है कि ऐसी कुंडली के अंदर एक श्राप लगा हुआ है, ऐसे व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर पाता और जीवन भर वो परेशान ही रहता है, बेशक कुंडली के अंदर कितने अच्छे योग क्यों ना पड़े हो, कितने ग्रह कुछ की स्थिति में क्यों ना हो, उनके फलों की प्राप्ति नहीं होती,
यहां पर शनि राहु की युति किस कब शुभ फल देगी और कब अशुभ फल देगी, इसकी हम डिटेल में बात करेंगे जब शनि राहु का एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि श्रापित योग दोष है या योग है, किस कंडीशन में वो दोष है और किस कंडीशन में वो योग है, किस हाउस में कैसे उसकी रेमेडी बताई गई है, तो कैसे उसे ठीक रखा जाना है, क्योंकि श्रापित योग के पीछे बहुत ज्यादा पूजा पाठ बताई जाती है पर उसके रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलते, तो ऐसे व्यक्ति परेशान होके निराश हो जाते हैं। तो यहाँ पर निराश नहीं होना है, आपको हर चीज के आंसर मिलने वाले हैं, तो आपके सारे कंफ्यूजन जल्दी दूर हो जाएंगे, क्योंकि कोशिश ये की जाती है कि डेली वीडियो अपलोड की जाए और जल्दी से जल्दी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाई जा सके। यहाँ पर शनि राहु की अगर युति है तो वो शुभ फल बताई गई है। अब बात करते हैं ये तो थी शुभ हालत, अब बात करते हैं अशुभ हालात की और क्या रेमेडियां बताई गई है उसकी। मंदी हालत, अब मंदी हालत देखिए, शनि अगर यहाँ पर शुभ हालात में भी है या कोई भी प्लैनेट कुंडली के अंदर अगर शुभ हालात में भी है और उसे अशुभ कर लिया जाए, एक तो कुंडली के अंदर ही अशुभ हालात में बैठा हो या तो, या अगर शुभ हालात में बैठा होने के बावजूद उसे अशुभ कर लिया जाए, जैसे बृहस्पति। अब बृहस्पति किन चीजों का कारक है, हालांकि जितनी प्लैनेट है उनके बारे में अलग अलग जो वीडियो हमने बनाई है उनमें काफी डिटेल में हर बात को क्लियर किया है, पर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल बृहस्पति, बृहस्पति क्या है, हमारे बुजुर्ग, हमारे दादा पिता, इन सबका कारक। अब इनसे किसी प्रकार का झगड़ा कर लेना, विवाद कर लेना, तो ये बृहस्पति खराब की निशानी है, उनकी मंदी सेहत बृहस्पति खराब की निशानी है, धन की कमी बृहस्पति खराब की निशानी है, जीवन में संघर्ष, घर में मतभेद, ये बृहस्पति खराब की निशानी है। उसके बाद सूर्य, सूर्य मीन्स आपका शरीर, आपका राज दरबार सरकार, तो इनमें किसी प्रकार की खराबी आना, ये आपका सूर्य खराब की निशानी है। मंगल, भाई, भाई से ताल्लुक खराब होना, मंगल खराब की निशानी है। चंद्रमा, माता से मनमुटाव होना, माता की हेल्थ इश्यू होना, मन परेशान होना चंद्रमा की। तो इसी तरह बुध, बहन बेटी बुआ, तो इसी तरह आपका शनि यहाँ पर मंदी की बात कर रहे हैं। अब शनि जब मंदा कर लिया जाए, मंदा कब कर लिया जाए, शनि जिन चीजों का कारक है, सांप को मार देना, मजदूरों को परेशान करना यानी कि लेबर क्लास को से झगड़ा रखना या उन्हें उल्टा सीधा बोलना, परेशान करना, तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति का कारोबार अच्छा है, तो शनि अच्छा है कुंडली में। अब शनि तो अच्छा है पर आपने अपनी लेबर क्लास से झगड़ा करके या सांप इत्यादि को मरवा के या भैंस का, भैंस को मार के, भैंस जिन चीजों के कारक हैं, ये लगन भाव के वीडियो में पूरी जानकारी दी थी कि जिन चीजों के वो कारक हैं उनको परेशान करके, मार के, किसी तरह से उनसे झगड़ा वाद-विवाद करके, या शराब पीना, ऐसे व्यक्ति अगर ज्यादा शराब पिए या अपने गृहस्थी को खराब कर ले, बाहरी ताल्लुकात रखे, पत्नी को परेशान रखे, तो शुक्र खराब, तो शनि का फल खराब हो जाएगा। तब ऐसे में क्या होगा, शनि का फल खराब हो जाएगा। बुध को खराब कर ले, बुध क्या है आपका, ज्यादा ज्यादा क्या खाना ही नहीं चाहिए, बुध को अगर ठीक रखना है, बुध के व्यापार, जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें अपने बुध को ठीक रखना चाहिए। बुध के ऊपर 12th हाउस के अंदर वीडियो बना चुके हैं, पर जनरली बुध क्या है, पक्षियों की सेवा। अब पक्षियों को अगर आप खाने लगेंगे तो क्या होगा, बुध खराब हो जाएगा। तो ऐसे में पक्षियों को खाना नहीं है, उनकी सेवा करनी है, उन्हें कुछ ना कुछ खाने को डालना है। साथ ही यहाँ पर शनिदेव, तो शराब का पीना ज्यादा, ये और आपका जवान का चस्का, इन सब चीजों से अगर शनि को मंदा कर लिया जाए, तब क्या लिखा है, अगर झूठ बोलने वाला, जीनाकारी, जीनाकारी व्याभिचारी यानी कि दूसरों को बुरा करने वाला हो तो शनि मंदा सर देगा। जुबान का चस्का बर्बादी की कहानी होगी, यानी कि बुध को मंदा कर लेना। आंखों की बीमारी, मंदी से फिर शनिचर का मंदा से शुरू होगा। कहा गया कि शनि जब मंदी हालात में होगा तो सबसे पहले आंखों की बीमारी हो सकती है, उसके बाद सेहत बीमार यानी बीमार रहेगा, मंदी सेहत, और उसके बाद शनिचर का मंदा असर। शनिचर का मंदा असर मीन्स आपका मकान, काम धंधा, इनकम, इन सब में किसी न किसी प्रकार की परेशानी देखने को मिलनी शुरू हो जाएगी। शनि जो है वो असर देता है धीरे धीरे, और राहु कैसे करता है, अचानक अचानक गिरावट, अच्छा चलता हुआ कारोबार अचानक बंद हो गया, किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी हो गई, तो वो काम राहु करता है, शनि करता है ग्रेजुअली धीरे धीरे। तो उसमें क्या है, जैसे दीमक लग जाती है एक लकड़ी के दरवाजे में, उसी तरह वो दरवाजे को खा जाती है, उसी तरह शनि का असर आता है धीरे 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 धीरे। तो कोई बीमारी देगा तो बीमारी जो है बहुत लंबे समय तक रहेगी, नुकसान करेगा, धीरे धीरे आपके व्यापार को खत्म कर देगा, इनकम को धीरे धीरे खत्म कर देगा, तो एक लंबे समय तक चलता है।
तो यहाँ पर शनि को बिल्कुल भी खराब नहीं करना है। अब सूर्य अगर सिक्स हाउस में है, अब देखिए सूर्य शनि का कट्टर शत्रु है, सिक्स हाउस में होगा तो सिक्स हाउस में बैठे सूर्य की दृष्टि कहाँ जाएगी, ट्वेल्थ हाउस में सेटल पर। जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उन्हें जानकारी के लिए बता दें कि आपका रेड बुक के अंदर दृष्टि का कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है, तो उसके ऊपर हमने अलग से वीडियो बना रखा है जहां पे जाकर आप इजीली समझ सकते हैं कि कौन सा प्लैनेट किस हाउस में बैठकर कहां दृष्टि डालता है, जिसके अंदर दो बारह का संबंध है, तीसरा घर डालता है इलेवेंथ और नाइन्थ, इसी तरह आपका बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर आपने जब रेड बुक को समझ रहे हैं तो रेड बुक के एस्पेक्ट को ही फॉलो करना है, रेड बुक के रूल को ही फॉलो करना है, तभी एग्जैक्टली समझ में आएगा। क्योंकि अगर आप चीजों को प्रॉपर समझ के, हम कई बार चेक करते हैं अरे शनिदेव तो बहुत अच्छी पोजिशन में है पर हमारा तो कुछ हो नहीं रहा है, तो उसके पीछे रीजन यही कुंडली के अंदर बाकी जो प्लैनेट है उनकी कंडीशन भी आपको चेक करनी होगी। राहु किस कंडीशन में है, केतु किस कंडीशन में है, बुध किस कंडीशन में है, शुक्र किस कंडीशन में है, बृहस्पति किस कंडीशन में है, तो यहाँ पर सभी प्लैनेट को, क्योंकि शनिदेव कहाँ बैठे हैं, बारहवें घर में, बारहवां घर किसका है, बृहस्पति का। अब कुंडली में बृहस्पति का भी शुभ होना जरूरी है, क्योंकि आपको बताया था कि कोई प्लैनेट किसी भी हाउस में बैठेगा उसके कारक और मालिक, अब इसके कारक कौन है, राहु। तो राहु के लिए अभी डिटेल में बात करेंगे, अगले जो वीडियो स्टार्ट करेंगे तो वहां पे राहु से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रूल बताएंगे, साथ ही इन चीजों के कारक हैं, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हर हाउस की वीडियो में राहु की कौन सी रेमेडी बताई गई है और किस तरह का वो बहुत ज्यादा खराब फल देते हैं, और जो फल बताया जाएगा वो बिल्कुल आपको सटीक देखने को मिलेगा। ये प्रैक्टिकली मेरी खुद के जॉइन बातें हैं, तो यहाँ पर आपको पूरा डिटेल में राहु की जानकारी दी जाएगी। अब इस घर के कारक राहु, राहु कब खराब होंगे, जब कुंडली में बुध खराब होगा, तो राहु को ठीक करना है तो खाली राहु की रेमेडी नहीं करनी है, सबसे इसके साथ ही आपको बुध की रेमेडी भी करनी है, तो बुध को ठीक रखना है। तो यहाँ पर हर चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो सभी प्लैनेट को हम बैलेंस अगर करना सीख जाएंगे तो बैलेंस करने में बहुत ज्यादा समय लगता, आप जिस दिन से कोई रेमेडी स्टार्ट करेंगे उससे दो तीन चार महीने के अंदर ही आप चीजों को बैलेंस होती दिखाई देंगे आपको। तो यहाँ पर अगर शनिदेव खराब हालात में है और सूर्य अगर छठे घर में आ जाएंगे तो शनि में दृष्टि जाएगी, शनि का फल क्या होगा, खराब होगा, सूर्य शनि का झगड़ा होगा, जैसा आपको बताया था कि दृष्टि युति से सूर्य या शनि जब होंगे तब ऐसे में बहुत ज्यादा अशुभ फल होंगे। अब सूर्य शनि के झगड़े में क्या होगा, शुक्र माना जाएगा, क्योंकि ये आपका ग्रामर का कॉन्सेप्ट है कि कौन से प्लैनेट किसकी बलि दे देते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार हम कुंडली के अंदर देखते हैं कि आपका शुक्र तो बहुत अच्छा बैठा है पर रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे, हमारा तो कुछ का है, और कुछ का अगर शुक्र होता है तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति की पत्नी बेहद खूबसूरत शानदार, और जो आपका ससुराल है वो पैसे वाली, ये सब सिम्टम देखने को मिलती है, शादी वगैरह ऐशो आराम, ये सब चीजें लग्जरियस लाइफ होती है, पर शुक्र कितना शुभ है डिपेंड इस पे करता है। अब शुक्र देखने में शुभ लग रहा है, कहीं देखिए कुंडली में मालवीय योग बना हुआ है, फलाना योग बना हुआ है, पर ऐसे व्यक्ति एक आम लाइफ स्पेंड कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसके पीछे और प्लैनेट पता लगा, सूर्य शनि की युति है या दृष्टि है, तब ऐसे में शुक्र का फल खराब हो गया, तो आप शुक्र को चेक किए जा रहे हैं कि कुछ हो नहीं रहा है, तो उसके पीछे बाकी लॉजिक्स को भी अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर सूर्य शनि का झगड़ा हो जाएगा, इससे शनि किसकी बलि दे देंगे, अपने मित्र शुक्र की। जब शुक्र खराब होता है कुंडली में तो ऐसे में शुक्र बलि दे देते हैं चंद्रमा की, तो ये आपका ग्रह जितने प्लैनेट हैं उनके सेक्रीफाइस के ऊपर एक अलग से आपका वीडियो भी बनाएंगे, और पहले ग्रामर के टॉपिक में ये रूल करा रखे हैं। तो यहां पर क्या लिखा है, औरत पर औरत मरती जाए तो यहां पर शुक्र का फल खराब हो जाएगा, बहुत ज्यादा बुरा इफेक्ट आएगा, औरत पर औरत मरती है, औरत क्या है, शुक्र। खासकर जब अपने मकान की पिछली दीवार तोड़कर रोशनी कर ली जाए, मकान की पिछली दीवार तोड़कर किसी प्रकार की रोशनी कर ली जाए, कोई विंडो वगैरह करके या किसी प्रकार से, तो यहाँ पर शनि का फल बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा अगर सूर्य सिक्स हाउस में है। अब यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर लाल फूल जमीन में दबाना, यहाँ पर शनि और सूर्य का जो झगड़ा है दोनों के झगड़े को खत्म कर देगा और दोनों के शुभ फल की प्राप्ति होगी। और कोई भी रेमेडी जो है उसका आपको अगर जल्दी और बेस्ट रिजल्ट लेना है तो कम से कम 43 डेज अगर करते हैं, और आपको रेमेडी के पोर्शन में ये जानकारी दी थी कि रेमेडी आपने सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक का जो समय होता है
उस बीच में ही करनी है, शाम के समय नहीं करनी है। यहाँ पर अगर रेमेडी बताइए, लाल रंग के फूल जमीन में दबाने दोनों के फूल शुभ प्राप्त होगा। अब चंद्र और राहु, चंद्र और राहु दोनों अगर 12th हाउस में आ जाएंगे तब क्या होगा? देखिए चंद्रमा जो है 12th हाउस के अंदर अच्छे नहीं माने गए, उसके पीछे रीजन ये है, इस घर के कारक कौन है? राहु। तो यहाँ पर चंद्र राहु के घर में शुभ फल नहीं देते हैं, चंद्रमा यहाँ आ जाएंगे तो बुध अशुभ है, साथ ही शनि और राहु के बीच में फंस जाएंगे तो चंद्रमा का फल खराब हो जाएगा। चंद्र क्या है? हमारा मन। तो ऐसे व्यक्ति के पास सब कुछ हो, बेशक करोड़पति हो, पर उसका मन परेशान ही रहेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है चंद्रमा। तो चंद्रमा का कुंडली में ठीक रहना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप चाहे 10,000 कमाते हैं या 1 करोड़ रुपए महीना कमाते हैं, पर खुशी की इंपॉर्टेंस है। अगर खुशी नहीं है तो जीवन में सारी चीजें व्यर्थ है, वो 1 करोड़ रुपया कमाया भी व्यर्थ है। तो 10,000 कमाने वाला ज्यादा अच्छा है अगर खुश है। तो यहाँ पर चंद्रमा खुशी का कारक है और शनि क्या है? दुख के कारक। शनि जब कुंडली में खराब होंगे तो दुख भर देंगे जीवन में, और चंद्रमा के फल को खराब कर देंगे, क्योंकि दुख और खुशी दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तो शनि अगर शुभ होंगे तब ऐसे में चंद्रमा का फल ठीक रह सकता है, चंद्रमा भी शुभ फल देंगे। तो चंद्रमा राहु अगर होंगे चंद्रमा फल खराब होगा। बुध मंदा हो, अब बुध अगर कुंडली के किसी भी घर में हो तो बुध की जानकारी कुंडली के 12 गुरु में दी जा चुकी है, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं कि बुध आपका कैसी पोजिशन में है। तो बुध अगर कुंडली में मंदा हो तब क्या कहा है? जुबान का चस्का, जुबान का चस्का वो जो आपको बताया, तो जुबान का जो चस्का है ये बुध मंदे की निशानी है। तो यहाँ पर बुध को ठीक कैसे रखना है वो वहां जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर बुध अगर खराब है तो जुबान के चस्के या बुध के कारोबार, अब बुध के कारोबार भी बुध के टॉपिक में जाके आप डिटेल में समझ सकते हैं। रिश्तेदार, बहन बेटी बुआ पर मंदा असर होगा। तो यहाँ पर बहन बेटी बुआ जो बुध के रिश्तेदार है उन पे या बुध से संबंधित कारोबार पे किसी न किसी प्रकार के आपको बैड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में बुध से रिलेटेड व्यापार नहीं करना है या बुध को कुंडली में ठीक कर लेना है। सूर्य का ताल्लुक, सूर्य अगर सेकंड हाउस में हो या किसी प्रकार से सूर्य का अगर ताल्लुक हो जाए तब 10वें या 11वें घर में हो तब तबियत का गुस्से यानी गुस्से वाला होना, राज दरबार के ताल्लुक यानी कि सरकार के संबंध में शनि सूर्य का झगड़ा होगा। अब सूर्य क्या है? बंदर, और शनि क्या है? सांप। तो यहाँ पर सांप और बंदर का झगड़ा कहा गया है, शुक्र का फल खराब होगा। अब बात आती है, एक तो आपको रेमेडी बताई है लाल रंग के फूल अगर सूर्य शनि का झगड़ा हो रहा हो, 6th हाउस में सूर्य बैठे हो तब। अब जनरली अगर शनि का आपको मंदा फल देखने को मिल रहा हो और 12th हाउस में है, क्योंकि यहाँ पर शनि जब शुभ होंगे तो ऐसे व्यक्ति को धन की प्राप्ति बढ़िया प्रचुर मात्रा में होगी, पर अगर शनि खराब हो गए तो काम धंधा नहीं होगा, इनकम नहीं होगी, इनमें कमी देखने को मिलेगी। तब ऐसे में क्या है? अंधेरी कोठरी, अपने घर में जो भी कोई स्टोर बना हुआ है उस स्टोर के साउथ ईस्ट कॉर्नर, उस स्टोर के साउथ ईस्ट कॉर्नर, साउथ ईस्ट कॉर्नर में दक्षिण पूर्वी कॉर्नर में, कोठरी के दक्षिण पूर्वी कॉर्नर में बादाम रखना शनि के मंदे असर को शुभ कर देगा। तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है और इजी है, तो इसे आप कीजिए। तो आज हमने बात करी शनि के 12th हाउस में शुभ और अशुभ हालत के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं राहु, राहु का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक प्लैनेट कुंडली का राहु है, जो कुंडली केवल 3rd और 6th घर यानी कि 3rd हाउस और 6th हाउस केवल 2 घरों में ही शुभ बताया गया है, बाकी घरों में उसका फल जो है वो डाउटफुल रहता है, और 3 और 6 में भी उसका फल कुछ जगह खराब ही रहता है। तो वो कंडीशन की हम बात करेंगे, राहु का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे राहु की, राहु के कुछ इंपॉर्टेंट रूल जिससे आप उसे एट ए ग्लांस चेक कर सकें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसको ठीक कैसे रखना है, क्योंकि राहु अगर कुंडली में शुभ है तो ऐसे में व्यक्ति को रोडपति से करोड़पति 1 मिनट बना देते हैं। और ऐसे बहुत सारे केस आपने अपने लाइफ में देखे होंगे, जैसे अभी पीछे फॉर एग्जाम्पल आया था कि रानू मंडल एक गायिका थी, वो स्टेशन पे गाती थी और अचानक वो आपका मुंबई पहुंच गई और स्टार बन गई। इसी तरह अभी एक गाना जो है वो काफी हिट हो रहा है, शायद महाराष्ट्र का है, तो वो व्यक्ति मूंगफली चने बेचा करता था और अचानक ही वो अर्श से फर्श से अर्श से पहुंच गया। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं इसके पीछे कहीं ना कहीं राहु अपना रोल प्ले करता है। अगर खराब है
तो आसमान से जमीन पे कब ला देगा? आपका अच्छे चलते हुए कारोबार है, करोड़पति है, और आदमी को जेल पहुंचा देगा बिना किसी कसूर के भी, आपको जेल पहुंचा देगा बिना किसी बीमारी के, आपको पागल खाने भिजवा देगा। इस तरह के केस देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे राहु की और कैसे उसे ठीक रखा जा सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।